मैं एक और चीज जो सिद्धार्थ भाई ने कहा था ना कि जो मोदी जी इस बार 1.5 लाख से आ रहे हैं, कभी कभी आप कुछ कंपैरिजन करने लगे तो अजीब सी फिगर्स मिलती है। अमृतपाल जो जिसको घोषित कहा किया गया है भाई वो खालिस्तानी है और उसके ऊपर यूएपीए है, केंद्र और पंजाब सरकार की दोनों लोगों ने मिल के उस पर उसको पकड़ा और फिर उनको जेल में डाला, वो जब खदूर साहब से लड़ते हैं तो उनके सामने चारों राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस 2 नंबर पे आती है, आम आदमी पार्टी 3 नंबर पे, अकाली दल 4 नंबर पे और बीजेपी 5 नंबर पे आती है वहां, और वहां वो 2 लाख की वोटों से जीतता है, वो मोदी जी के ज्यादा वोटों से जीत रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत सरकार और पंजाब सरकार का आरोप है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में है, जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो इनसे ज्यादा पा रहा है। मैंने सिर्फ रेफरेंस पॉइंट में कह दिया था कि ये जो बार बार बीजेपी कहते थे ना मेरे पास इतने वोट, मेरे पास इतने वोट, हरदम वोट सही का बयान नहीं करते हैं। मैं वो अच्छा फराज साहब चले गए, मैं हरशंकर साहब, अब जरा मुझे एक दो चीजें आप बताइए। अभी तक ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश की, आप भी मेरठ से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ राजपूतों को एक किए हुए हैं, सारे राजपूत उनके पीछे खड़े हो गए हैं और सारे ब्राह्मण उनके अगेंस्ट हैं, इस तरह की एक बात होती है। लेकिन एक बीजेपी ने एक बाइनरी शुरू की थी, या तो ये या ये, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो पप्पू, कुछ इस तरह की बातें करते थे बीजेपी वाले। अब वही बाइनरी इनके सामने आ गई है, योगी नहीं तो क्या केशव मौर्य, बीजेपी के 99% लोग कह रहे हैं नहीं 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 योगी और केशव मौर्य में कोई कंपैरिजन नहीं, योगी को ही रहने दें, नहीं तो अपनी गति। फिर हो रहा है योगी या अमित शाह मोदी के बाद, तो फिर वही हो रहा है नहीं 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 अमित शाह तो भाई बात ही, उनसे कौन बात करे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो जो खुद इन्होंने बनाया था है, मोदी नहीं तो कौन, हु इज द ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मोदी के आगे सामने कौन, वही अब इनको सामने खड़ा होके इनको बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है कि योगी नहीं तो कौन। हरशंकर भाई, जोशी साहब, देखिए योगी नहीं तो कौन, ये सवाल बेमानी है, और ये सवाल ये कहना भी बेमानी है कि ठाकुरों ने उन्हें बनाया, ब्राह्मणों ने उनको नहीं बनाया। देखिए जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अगड़ों का जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ बहुत हाई गया है, और उसमें सारे ठाकुर भी नहीं है और सारे ब्राह्मण भी नहीं है, जो कटे हैं उनसे जितना प्रतिशत कटा है वो प्रतिशत बहुत छोटा सा प्रतिशत है, शायद 79% जहां तक मुझे याद है अगड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कुछ लोग उसे 90+ भी कहते हैं, लेकिन सब मेरे पास जो जानकारी है वो 79+ की है, वोट की है। अब जो वोट बचता है करीब 21% का, वो ऐसा नहीं है कि वो 21% ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, 21% बनियों ने, मतलब उसमें सभी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं और ठाकुर भी हैं। देखिए कुछ वोट ऐसा है जैसे वो कांग्रेस के पास हर धर्म हर जाति का एक अपना निश्चित वोट है, वो भले ही कालांतर में सुप्तावस्था में पड़ा रहे, वोट डालने न जाए बात अलग है, लेकिन उसका अपना एक जो कमिटेड वोट है वो उसका हर जगह पर है। जैसे मेरठ में भी अगर आप बात करें या मुजफ्फरनगर की बात करें या मुरादाबाद, मुरादाबाद तो अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, तो सब जगह मुरादाबाद में भी तो सब जगह कांग्रेस का अगर कैंडिडेट होता है तो उसको 50-60 हजार वोट मिल जाते हैं, वो उस स्थिति में जब वो वोट मांगने भी नहीं जाता, घर से भी नहीं निकलता, उस स्थिति में भी उसे मिल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि साहब वो उन्हें ब्राह्मण वोट ज्यादा मिले या ठाकुरों ज्यादा मिले या वो ठाकुरों के नेता है, अगर वो ठाकुरों के नेता है तो संगीत सोम को उन्होंने क्यों मंत्री नहीं बनाया, क्यों उन्होंने ठाकुरों के नेता है तो उन्होंने क्यों संगीत सोम को मंत्री नहीं बनाया, और अगर वो ठाकुरों के नेता है तो उन्हें आनंद वर्धन को MLC बनाकर भेज देना चाहिए था या राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर देना चाहिए था, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो सर बल्कि संगीत सोम को जब बालियान हरवा रहे थे तो उसमें योगी जी भी कहीं ना कहीं आनंद में थे, है ना। तो ये देखिए, हाँ तो ये बात है।
तो आनंद जी, अब रही बात आज की लड़ाई की, तो देखिए योगी को हटाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और योगी को हटाना खतरे से खाली भी नहीं, क्योंकि योगी जो है वो ना आरएसएस पर निर्भर करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करते हैं, वो महंत अवैधनाथ की परंपरा से आते हैं और 5 बार सांसद रहे, मतलब अपनी बूते पर रहे, वो आरएसएस के बूते पर नहीं रहे, वो अपनी हिंदू युवा वाहिनी के बूते पर रहे हैं, और इनसे ज्यादा वो धार्मिक उन्माद फैलाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उतना खुलकर धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकती जितना योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक उन्माद फैलाया, तो उनकी उनकी भी अपनी बड़ी यूएसपी है, वो एक भले ही एक पॉकेट में है, एक उस मतलब जगह पर है, लेकिन वो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि वो रायता फैला सकते हैं। और दूसरा एक चीज और भी है कि उनको हटाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो योगी के कंट्रोल में है, वो किस तरह से है, क्यों है, क्या मिरेकल है, उन्होंने क्या समीकरण बना रखा है, अपना किन लोगों को बिठा रखा है की पोस्टेज पर और जिलों में, वो है, और उसकी वजह से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को अतिरिक्त मिली हैं, ये भी बात तय है, यानी जो सीटें कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं उसमें काफी बड़ा योगदान योगी आदित्यनाथ का है, और जो सीटें गई हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का है और अमित शाह का है, ये सब लोग जानते हैं कि जो गई हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना मोदी की गारंटी है, और वो बेचारे योगी आदित्यनाथ पीछे पीछे दौड़ते रहते थे और वो आगे आगे चलते रहते थे, राजपथ पर मंदिर की चौखट पर बिठा दिया उन्हें, और खुद कैमरे में तो आने वो किसी को देते ही नहीं है, अकेला उनका पेटेंट है, लेकिन अब उनके थोड़े से नक्शे जो हैं आजकल ढीले हैं और वो थोड़ा मुंह भी छिपाने लगे हैं, संसद में आपने देखा कि वो बजट सत्र चल रहा था, वैसे भी वो कम आते थे लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है कि वो मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। तो आनंद जी, केशव मौर्य अब इसकी एक कड़ी है जो एक प्यादा है, केशव मौर्य की कोई वहां पर हैसियत नहीं है, हैसियत इसलिए नहीं है, देखिए जो आदमी अपना चुनाव हार गया हो वो चाहते क्या है, वो चाहते ये है कि देखो डिप्टी सीएम तो मैं बना हुआ, मुझे अगर योगी जी पीडब्ल्यूडी और दे देते थोड़ा एक, मतलब दोनों हाथों में डोने वोने में मलाई वलाई रख के रबड़ी वबड़ी दे देते तो मैं आराम से मतलब डिप्टी सीएम बना हुआ हूँ, वो भी जानते हैं कि वो सीएम के मटेरियल नहीं है, खुद जानते हैं सीएम के मटेरियल नहीं है, और उधर जो है थोड़ा सा अमित शाह को ये बौखलाहट है कि यार ये ब्रांड योगी आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो कल को उत्तराधिकारी की बात आए तो मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा, और आरएसएस भी ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो भगवा पहने, हिंदुत्व का प्रतीक हो, मठाधीश टाइप का हो, उसके उसके सपने का तो हिंदू राष्ट्र वैसा है ना, वैसा हिंदू राष्ट्र है जो वो उनको योगी में नजर आता है, वो भले ही देश बर्बाद हो जाए, राष्ट्र बचे ना बचे, है ना, भले ही 4 राज्यों का उत्तर भारत के मिला के हिंदू राष्ट्र बना दे, लेकिन एक बार मतलब 100 साल पूरे होते होते वो हिंदू राष्ट्र बना दे, भले ही वो दक्षिण अलग हो जाए, भले ही वो उत्तर अलग हो जाए, उन्हें इस बात से कोई चिंता नहीं है, बोले बाद में हम तलवार भांज के जीत लेंगे, उसमें रक्षा सभा हो, उसमें धर्म सभा हो, उसमें सिंगूल हो, उसमें ये हो वो हो, से चिल्ली वाली बातें, तो ये केशव मौर्य कहीं पर मतलब उस योगी के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, और योगी अगर जिस दिन नेतृत्व तो चाहेगा उस दिन उन्हें हटा देगा, आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, शिवपाल सिंह चौहान ज्यादा मजबूत नेता हैं, वो अगर वोट बैंक और आधार वोट बैंक के हिसाब से आप देखें मध्य प्रदेश में, उनके मुकाबले योगी कहीं नहीं ठहरते हैं, अगर और आरएसएस में भी उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन मोदी और अमित शाह ने उनको भी ठिकाने लगा दिया, अब ये ठिकाने तो आरएसएस को भी लगा चुके हैं, उनको इतना भ्रष्ट कर दिया है राम माधव से लेकर और वहां तक, 3-स्टार होटल बनवा दिए हैं, उनके जितने भी आश्रम हुआ करते थे उनके प्रचारक अब इनोवा में चलते हैं लाल पीली हरी बत्ती लगाकर, और वो जो झोला छाप हुआ करते थे चप्पल रगड़ते हुए जाते थे और कहते थे आनंद जी प्रणाम, है ना, वो नमस्कार, हाँ, तो वो अब वो वाले नहीं रहे, वो सारे के सारे 3-स्टार हो गए, वो भी
अब मलाई चाट रहे हैं। अब वो जो मोदी और योगी ने जो मलाई मुंह लगाई है आरएसएस के, तो आरएसएस भी अब मतलब बौखलाया हुआ है, वो करे तो करे क्या। अगर आज को सरसंग चालक भी ये चाहे कि वो मतलब नहीं मतलब कुछ कर पाए, तो सरसंग चालक के खिलाफ बगावत हो जाएगी, क्योंकि उनका गुरु कोई व्यक्ति नहीं। वैसे भी आप देखिए संघ में कोई व्यक्ति गुरु तो है नहीं, वहां झंडा गुरु है भाई, ध्वज जो है वो उन्होंने गुरु माना है अपना संघ ने। वो गोलवलकर को भी गुरु नहीं मानते, वो किसी सरसंघ चालक को भी नहीं मानते, उनकी अलग व्यवस्था है, अलग प्रणाली है। और वो वही है कि तया हिंद भूमे नमस्ते नमस्ते, तो वो ध्वज को प्रणाम है उनका, तो वो ध्वज को प्रणाम कर लेंगे, भागवत को भगा देंगे। भागवत के अब ऐसी मतलब आरएसएस की इन्होंने छींचा लेदर कर दी है मोदी जी ने, कि वो जेट में घूम रहे हैं तो वो भी अपना मजे में अंबानी की शादी में जा रहे हैं। आपने किसी सरसंग चालक को किसी पूंजीपति के घर या किसी दूसरे के घर शादी में जाते इससे पहले कभी देखा था क्या? मैं एक चलते चलते हरिशंकर भाई आपसे पूछ लूं, जो सिद्धार्थ जी ने कहा कि उत्तराधिकारी का चुनाव तो मोदी जी करेंगे कि आरएसएस का भी उसमें कोई रोल रहेगा? मैं एक चीज सिर्फ दिखा दूं, 20 जुलाई को अभी 20 जुलाई को भागवत जी क्या कह रहे हैं, राक्षसों की प्रवृत्ति हर चीज पर नियंत्रण रखने की होती है, मोहन भागवत। ये 20 जुलाई को कह रहे हैं, वो कभी राक्षस पे हमला कर रहे हैं, कभी वो भगवान पे हमला कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का, क्योंकि जितना मेरी समझ है योगी जी को कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ उनके पीछे है, हालांकि विश्व हिंदू परिषद और उनके झगड़े अलग थे, लेकिन आज की तारीख में जो मोदी जी के साथ शैडो बॉक्सिंग हो रही है आरएसएस की, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रणनीतिक रूप से वो शायद इस समय योगी जी के साथ। हरिशंकर भाई जल्दी से आपका। सर ये आत्मकथ्य था क्या जो आपने अभी दिखाया? मैं फिर दिखा दे रहा हूं, ये 20 जुलाई को भागवत जी ने कहा है राक्षसों की प्रवृत्ति उनका नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था ये उनका क्या आत्मकथ्य है, क्या है कि राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं, मैं मतलब क्या वो यहाँ से इतनी दूर से पता नहीं चलता ना, समझ नहीं आता सर, तो वो क्या है मैं समझ नहीं पाया। आप ज्यादा पास बैठे हैं दिल्ली के, ज्यादा पास आप बैठे हैं, मैं मतलब स्पष्ट तौर पर समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने पूछ लिया। दो तीन चीजें हैं जो इसमें डिस्कस हुई, तो एक पॉइंट ये आया कि वो जो है लड़ते लड़ाका है, मतलब अपनी बात रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं और झुकने वाले नहीं, तो उसका उत्तर आपने दे दिया कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर वो किस तरीके से दौड़े हुए चले जा रहे थे, मंदिर में किस तरीके से बाहर बैठे हुए थे। और मैं एक दृश्य और याद दिला देना चाहता हूँ, लोकसभा में जब वो खड़े हुए मुलायम सिंह यादव वाले प्रकरण में, वो उनके गंगा जी बह रही थी आंखों से, तो आपको वो भी याद होगा कितने वो है। और जहां तक सर ये सारी चीजें हैं ये एक अलग बात है, लेकिन अब सत्ता उनकी है तो उनका जो मॉडल है अगर उसको धरातल पर आकर देखें, देखिए मध्य प्रदेश में बैठने वाला व्यक्ति अरविंद जी योगी जी का प्रशंसक हो सकता है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो गुजरात में हैं जो योगी जी की प्रशंसा करते हैं, पंजाब में वो कहते हैं यार आदमी है उसने सारा नियंत्रित कर दिया, हिमाचल में लोग कहते हैं कि कुछ भी है अपराधी बिल्कुल अब बाहर नहीं निकलता, औरतें जो है वो रात के 2 बजे भी निकलती हैं। सच्चाई जो है वो मेरठ में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है, वो कहीं और बैठा हुआ व्यक्ति जानता है, वो मुरादाबाद में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है, वो बरेली में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है, वो रामपुर में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में अगर आप स्टैटिकली वैसे देखें तो अपराध जो है वो ज्यादा है, रोजाना के आप अगर लोकल एडिशन उठाकर देखें, खासतौर से भास्कर जैसे ऐप पर जाकर लोकल एडिशन देखें, तो आपको पता चलेगा कि अपराध कितने हैं। अभी क्या है कि गोदी मीडिया को तो ये इजाजत ही नहीं है, अब स्ट्रिंगर जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं आजकल बहुत सारे चैनलों के, वो इसलिए बेरोजगार बैठे हुए हैं कि अगर कोई स्ट्रिंगर ये खबर बताता है कि यहाँ पर एक बालिका के साथ में या एक बच्ची के साथ में 7 लोगों ने दुराचार कर दिया, दुष्कर्म हो गया, तो वहां पर इनपुट वाला कहता नहीं नहीं ये कोई और खबर हो तो बताना, अभी आज ट्रैफिक ज्यादा है, आज खबरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो खबर ली नहीं जाती है।
वो खबर दबा दी जाती है। ऐसी तमाम जो एक आपको याद होगा कि बुलंदशहर में एक हादसा हुआ था सड़क पर, जिसमें जाकर अखिलेश तक ने वहां डेरा डाल लिया था और 24 घंटे में सारा मामला वर्कआउट कर दिया था। उस समय मीडिया के क्या तेवर थे और आज मीडिया के क्या तेवर हैं? तो देखिए अपराध, और जहां तक विकास की बात है तो विकास की बात तो बहुत सामने है। उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त कर दीजिए सड़कें, अब गड्ढों में सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की। आप देखिए कि 20 साल की गारंटी वाली सड़कें बन रही हैं योजनाओं में, और वो 20-20 महीने पूरी नहीं हो रही है। पुरानी सड़कें खोद दी हैं और 20 साल की गारंटी है। 20 साल की किसकी गारंटी है? 20 साल में तो पता ही नहीं चलता कहां से कहां चला गया। तो ये सारे हवाई किले और हवाई महल बनाए जा रहे हैं। और जहां तक योगी जी के हटने और ना हटने का फर्क है, उससे किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा अपना ये मानना है कि। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर ये फर्क जरूर पड़ेगा कि उन्हें हटा दिया उपचुनावों से पहले, हटाकर देख लें तो 10 में से 10 गई, और उपचुनावों तक नहीं हटाया तो 10 में से 1 तो फिर भी मिल जाए।